अजय शरावत हमारे साथ मौजूद हैं। अजय शरावत जी, पश्चिम बंगाल की घटना महुआ मोहित्रा इस प्रकार है कि क्या जरूरत थी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की, नेशनल कमीशन फॉर एससी की, जो वहां पर आए, बाकी जगह तो जाते नहीं है लोग बीजेपी शासित राज्यों में। देखिये, महुआ मोहित्रा तो संसदीय कमेटी से पहले ही निष्कासित है। मुझे लगता है एक मुजरिम तो ऑलरेडी किसी के लिए गवाही नहीं दे सकता, तो महुआ मोहित्रा के स्टेटमेंट को तो खारिज कर दिया जाता है। रही बात सौंदेश कली की, पहले कहती थी सागरिका घोष कहती थी कि शेख जहान जो है उसने कुछ नहीं किया, पहले ममता बनर्जी भी उसको डिफेंड करती थी, लेकिन आज ऐसा क्या आन पड़ा कि उसको 6 साल के लिए निष्कासित करना पड़ा। आज कोर्ट को, अगर कोर्ट ने उसको अरेस्ट किया तो अब सीआईडी क्यों छोड़ रहे हो, अब उसको ईडी के हत्थे चढ़ने दो ना, अब उसकी सही से जांच होने दो ना। तो मुझे लगता है ये पूरा मसला शुरू से ही शेख जहान को बचाने के लिए हो रहा था, जो अपने इलाके में महिलाओं के साथ दुराचार करता है और वहां के लोग उससे प्रताड़ित हैं। तो मुझे लगता है कोर्ट का एक अच्छा फैसला आया है जिसमें शेख जहान की अरेस्ट हुआ है, और ममता बनर्जी का वो चेहरा जो दीदी बन के दिखता रहता था वो सबके सामने साफ है। अगर उनकी पार्टी का अपराधी भी है तो वो डिफेंड करेगी, जो एक शर्मनाक हरकत है। कई सारे सवाल पुलिस पर इसलिए उठ रहे हैं कि 55 दिन तक अरेस्ट नहीं किया, जैसे कोर्ट ने कहा ईडी जाकर के अरेस्ट करो, जैसे ही कहा तुरंत शाहजहां शेख को अरेस्ट कर लिया जाता है, तो यानी क्या संरक्षण में था क्या था? आप समझिए, एक मुजरिम जो कि वांटेड मुजरिम है वो आपके स्टेट में कैसे बचाया जा सकता है? आज भी आपकी एजेंसियां उसको बचाने पे लगी हैं, आज भी आपने उसको ईडी का नहीं सौंपा। मुझे ऐसा लगता है शेख जहान के तार कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के घर तक पहुंचते हैं, और वो सिर्फ शेख जहान को डिफेंड नहीं कर रही, वो सारे जो शेख जहान के पीछे चलने वाले कारनामे हैं उसके चलते जो उनकी पार्टी की छवि को नुकसान हो रहा है उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब पब्लिक के सामने साफ हो गया है, शेख जहान गिरफ्तार हुआ है और ममता बनर्जी की सरकार सबके सामने खुल के सामने आ गई। उनसे ये भी बात कही गई कि आम आदमी पार्टी के पार्षद पॉक्सो एक्ट जो है वो उसका केस उन पर हो गया दिल्ली के अंदर। आम आदमी पार्टी का कोई पहला केस नहीं है, इससे पहले भी जो उन्होंने अभी सांसद कैंडिडेट उतारे हैं उनके खिलाफ भी केस था। उनके पहला वो संदीप पहले राशन कार्ड बनाता था, कोई पहला केस नहीं हो रहा है। आम आदमी पार्टी देश की वो पार्टी है जो सबसे पहले देश की सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी और सबसे बड़ी क्रिमिनल्स की पार्टी बन चुकी। ममता बनर्जी होश में आओ, कह रहे हमने निकाल दिया पार्टी से 6 साल के लिए, 6 साल के निलंबित किया, वो तो जेल में और फांसी के लायक है। सनातनी धर्म की एक सनातन धर्म के बच्चियों के साथ कुकर्म करता हो टीएमसी के कार्यालय में बुला के, और उस प्रदेश की नारी मुख्यमंत्री हो, इससे घोर अपराध क्या होगा, इससे घोर अपराध क्या होगा? ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करे, भारत सरकार से ये मांग करते हैं, ये देश की पूरी नारी शक्ति आज यहाँ उसके इस्तीफा के लिए मांग कर रही है। ममता बनर्जी होश में आओ, और एक धर्म से सरकार नहीं चलती, ये देश जो है सब धर्म का देश है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास मोदी जी का जो है उसको अपनाओ, तभी तुम्हारा कल्याण है, नहीं तो जाओ बर्खास्त करो, ममता सरकार बर्खास्त करो। तो देख सकते हैं पहले बैरिकेड को तोड़ करके तमाम ये कार्यकर्ता जो है वो आगे बढ़ गए, और पीछे भी बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की जा रही। क्या कहेंगे पश्चिम बंगाल की घटना पर? ममता बनर्जी को चुल्लू भर पानी में डूब के चाहिए। दिल्ली में इस समय हम मौजूद हैं और ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया गया है। इस समय आप देख सकते हैं सड़कों पर बड़ी संख्या में दिल्ली की जनता यहां मौजूद है। बीजेपी दिल्ली की तरफ से आज ये प्रोटेस्ट रखा गया है और बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रही हैं। संदेश खाली की जो घटना है, और एक नहीं दो नहीं कई महिलाएं निकल करके आई जिन्होंने बताया है क्या क्या उनके साथ हुआ, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं टीएमसी का कोई इसमें जो है कुछ बड़ा एक्शन देखने को नहीं मिलता, कह रहे हैं केवल हमने उसको निकाल दिया। देखिए, बंगाल में ये पहली घटना नहीं है, वहाँ महिलाओं के साथ शोषण हमेशा से होता रहा है, और टीएमसी सरकार हमेशा कहती है कि महिलाओं की सरकार है, जिसकी मुख्यमंत्री ममता जी खुद जो एक टाइम पर शोषण का शिकार हुई थी वो आज महिलाओं का शोषण करा रही है। तो इससे दर्दनायक और चिंता का विषय तो है ही नहीं, वो भी आज के भारत में जहां मोदी जी महिला सशक्तिकरण के ऊपर आने वाले सभी महिलाओं को उन्होंने हाथ में एक मजबूती दी है, और वहीं पर ममता जी हमारी बहनों का शोषण करा रही है। तो आज दिल्ली में हम सभी बहनें एकत्रित हुए हैं ममता जी को ये संदेश देने के लिए
कि हम सारी बहनें बंगाल की बहनों के साथ हैं और ममता जी को इसके लिए सही कदम उठाने होंगे, वरना हम टीएमसी सरकार का विरोध करेंगे। टीएमसी की एक सांसद जो अभी महुआ मोइत्रा जो काफी विवादों में थी और उसके बाद उनकी सांसदी भी छीनी गई, जो उन्होंने पार्लियामेंट के पासवर्ड यूजर आईडी पासवर्ड दुबई में दिए थे, वो अब इस घटना को डिफेंड कर रही हैं। वो बोल रही हैं कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन क्यों आया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट क्यों आया वहां पर। आप मुझे बताइए कि कमीशन वुमेन्स के लिए बनता क्यों है, उनकी सुरक्षा के लिए ना। तो अगर वो इस टाइम पर नहीं आएंगे तो वो मुझे बताएं कि फिर वो किस टाइम पे आएंगे। महिला की सुरक्षा के लिए अगर महिला कोई भी चीज़, हम लोग आज हम सब बहने खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? अगर वहाँ पर बंगाल में बैठी एक भारतीय महिला के साथ भी गलत होता है तो दिल्ली की बहनें ये संदेश देना चाहती हैं कि सब बहनें उसके साथ हैं और ये शोषण अब रोकना पड़ेगा, ठीक है? तो ये टीएमसी के लिए एक हमारी तरफ से एक सख्त वो है, एक महीने से उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो ममता जी मुख्यमंत्री होने के बाद बहनों का अपमान करेंगी तो बीजेपी और हम सभी महिला शक्ति इसका विरोध करेंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक चेहरा काफी आगे किया जाता महिलाओं के लिए, स्वाति मालीवाल, वो अभी राज्यसभा भी उनको भेज दिया गया। 54 दिन तक उन्होंने संदेश खाली पर कुछ नहीं बोला, कल अरेस्ट होने के बाद केवल ये बोला हाँ वो अरेस्ट हो गया। टीएमसी का अब तक कंडेम नहीं किया स्वाति मालीवाल। देखिए आप अगर आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो वहाँ पर किनको, मालीवाल जी को वहाँ पर उन्होंने ज्वाइन किया है तो क्यों किया? ये तो जो खुद एक बेईमान पार्टी है, बेईमानों को जोड़ रही है, वो महिलाओं का क्या वो करेगी? जरूरी नहीं होता कि एक महिला अगर है तो वो महिलाओं का सम्मान करेगी, नहीं। हर पार्टी की एक मॉरल वैल्यू होती है। बीजेपी में मोदी जी को महिलाओं का सम्मान दिया है और हम सब बहने, किसी भी पार्टी की कोई भी महिला हो, हम सबके सम्मान में खड़े। और मालीवाल जी को तो आप छोड़ ही दो, आम आदमी पार्टी तो कोई वैल्यू वैल्यू नहीं, तो उनकी तो बात ही करना बेकार है। इस बार केजरीवाल जी, ममता बनर्जी सब साफ हैं, सिर्फ बीजेपी मोदी जी आ रहे हैं तीसरी बार और हम बहनों का पूर्ण समर्थन। आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी तो डर गई है हमसे, केजरीवाल को जेल में डालना चाहते हैं ये लोग। देखिए ऐसा है, अपने बात में वो कुछ भी कहें ये तो उनको अभी पता चल जाएगा ना, ज्यादा दिन की बात ही नहीं है। बिल्कुल चुनावी माहौल तैयार है, 4-5 दिन के बाद वो खुद ही कहेंगे कि वो कहाँ छुपे हैं, हमें ही नहीं पता चलता। ईडी उनको बार बार समन भेजती है, चूहे वो हैं, पता हमें नहीं है कि वो कहाँ हैं, ठीक है? तो हम लोग तो आज कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे और एनडीए के साथ 400 पार जाएंगे और महिलाओं को और सशक्त बनाएंगे। जय हिंद जय भारत। आपका क्या नाम? रुचि अग्रवाल। आप क्या कहेंगे पूरे संदेश खाली, इस समय पूरे देश में जो है वो चर्चाओं में बना हुआ है संदेश? जब संदेश खाली में इतना महिलाओं के साथ अपमान हुआ है तो चर्चा में तो रहेगा ही, ऊपर से वो हमारी वहाँ की मुख्यमंत्री ममता जी, जिनका नाम ही ममता है, उनमें जरा भी ममता नहीं है, वही महिला होकर महिलाओं के अत्याचार में सपोर्ट करती हैं। अभी आपने एक बात पूछी थी महुआ मोइत्रा जी के बारे में, उन्होंने अपने राजनीतिक फायदे के लिए अपने एक व्यवसायिक दोस्त को, आप देखो व्यापारी दोस्त को कितना फायदा बनाया, अपने सारे आईडी पासवर्ड दे दिए, वो कैसे महिलाओं का सपोर्ट करेंगी? वो तो खुद ही इतनी खराब औरत है कि महिलाओं के सम्मान में कुछ कर ही नहीं पाएंगी। बड़ी संख्या में महिलाएं देख रहे हैं इस प्रोटेस्ट में उतरी हैं ममता सरकार के। बिल्कुल उतरना भी चाहिए, अगर ममता बनर्जी एक महिला होकर महिलाओं का सम्मान, उनकी पीड़ा, उनका दर्द नहीं समझ सकती, वो ये नहीं समझ सकती संदेश खली में क्या हो रहा है, उनके गुंडे शेख शाहजहां जैसे गुंडे महिलाओं को सरेआम उठाकर ले जाते हैं, यौन उत्पीड़न करते हैं, बलात्कार करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, अगर उनका दर्द नहीं समझ सकती तो हम महिलाओं को आना पड़ेगा। हम महिलाएं तब तक अपने घर में चुपचाप बैठती है जब तक कि हम सुरक्षित महसूस करती है। जिस दिन भारत की नारी असुरक्षित महसूस करेगी वो सड़कों पे उतरेगी और भाजपा की प्रत्येक महिला कार्यकर्ता आज संदेश खली की महिलाओं के साथ खड़ी है, उनको न्याय दिलाने के लिए जिस स्तर तक जाने पड़े हम लोग जाएंगे। लेकिन जब उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया तो कोई उसको गिल्ट नहीं था, वो हंस रहा था, विक्ट्री साइन दिखा रहा था शाहजहां। भाई साहब देखिए टीएमसी के गुंडे हैं ये, ममता बनर्जी ने उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दिया है कि कहीं संदेश खली के लोग उनको कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए वो विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं क्योंकि उनकी जो नेता है उनको वो प्रोटेक्ट कर रही है, वो रक्षक नहीं है, वो हमारी भक्षक है। इसलिए ममता बनर्जी को इस्तीफा देना ही पड़ेगा और उनके गुंडों को सबक सिखाने के लिए हम महिलाएं आज मैदान में उतरी हैं। जो कहा है वो सही है कि महिलाएं जब तक सुरक्षित रहेंगी तब तक वो चुप है, वो दुर्गा भी है, सरस्वती भी है, लक्ष्मी भी है, आज उसे दुर्गा का रूप लेना पड़ेगा तो वो लेगी। हर तरह से विरोध प्रदर्शन, चाहे वो धरना हो या वो मौन प्रदर्शन हो, चाहे वो भूख हड़ताल हो, हर हद तक हम जाएंगे इंसाफ के लिए।